हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू पर्यटक ब्लॉग। दोस्तों, आज सुबह सुबह निकल रहे हैं एक बहुत ही सुंदर डेस्टिनेशन पर। शायद आज का डेस्टिनेशन सी बीच हो सकता है, और आज महाअष्टमी का दिन भी है, तो दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपके जीवन को ढेर सारी खुशियाँ और प्यार से भर दें। तो दोस्तों, देखते रहिए पर्यटक ब्लॉग और बने रहे हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दुर्गा पूजा की धूम हर जगह अलग अलग होती है, इसीलिए पूजा की एक सुबह आपको लेके निकल पड़े हैं एक समुद्री तट पर, जहां देखने वाले हैं दुर्गा पूजा की धूम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और नमस्ते आप सभी को, और सब महाअष्टमी आज। तो फ्रेंड्स, फाइनली आ चुके हैं माँ तारा रेस्टोरेंट में, और हम लोग कोलाघाट में रुके हैं, ब्रेक पी लिए हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। सुबह से निकले हैं, कुछ खाए नहीं है, तो चलिए थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं। तो फिर एक ब्रेक के लिए रुके हैं। यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर रह गया है दीघा, और कोलाघाट में कुछ ज़्यादा देर ही तक रुक गए थे। वहाँ लगभग एक घंटे 20-25 मिनट तक वहाँ रुके थे, होटल खोज रहे थे। तो अब ऑनलाइन होटल लेने से प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि पता नहीं वो बीच से कितना दूर मिले, कहाँ मिले, तो वहाँ जा के खोजते हैं होटल। तो दोस्तों, देखते रहिए पर्यटक ब्लॉग और बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, दीघा में पहुंच गए हैं, अब चलिए होटल ढूंढ लेते हैं। अभी समय लगभग 12:45 हो रहा है। दोस्तों, एक घंटा मेहनत करने के बाद होटल मिल गया है, तो रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ होटल कैसा है। 900 में अच्छा होटल है, नॉन एसी है, ये देख सकते हैं होटल के अंदर, सही है, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, फ्रेश व्रेश होके चले हैं पुरवासा रेस्टोरेंट में, थोड़ा खाना वाना खा के चलते हैं बीच के पास। आप देखते रहिए पर्यटक ब्लॉग, तब तक हम लोग खा रहे हैं, आप भी कुछ खा होके फ्रेश हो जाइए और तैयार हो जाइए, फिर चलते हैं। दोस्तों, न्यू दीघा में है हम लोग, और सुबह दोपहर को करीब 1 बजे पहुँचे थे, और लगभग 1 घंटे तक अभियान चला होटल खोजने का। और दोस्तों, यदि आप आते हैं न्यू दीघा में रुकना चाहते हैं, तो जितने आप मतलब बीच के करीब वाले होटल में जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन होटल काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और आपको रहने में भी सर्विस सब कुछ आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आप अपने हिसाब से अपने बजट से ले सकते हैं। अब बीच के करीब रहेंगे तो बस होटल से उतरेंगे और पहुंच जाएंगे बीच के पास, लेकिन और कुछ कुछ बीच भी होटल भी हैं, जो होटल से ही आप देख सकते हैं समुंदर को। तो हम लोग थोड़ा सा भीतर लिए, हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही बजट फ्रेंडली है होटल, और वहां से खा पी के अभी सीधे आपको लेके चलते हैं सी बीच पर। तो देखते रहिए दोस्तों पर्यटक ब्लॉग, चलिए मिलते हैं वहाँ जाकर।
दोस्तों न्यू दीघा घूमने के बाद शाम होते ही हम लोग चले आए ओल्ड दीघा। शाम के वक्त ओल्ड दीघा काफ़ी अच्छा लग रहा है। दोस्तों देख रहे हैं पर्यटक ब्लॉग, और उस समय तो शाम के वक्त न्यू दीघा में थोड़ा सा कैमरे का बैटरी ऑफ हो गया था तो आपको दिखा नहीं पाए। तो अभी लगभग 8 बज रहा है और चले आए हैं ओल्ड दीघा में, और रात को एकदम से काफ़ी सुंदर लग रहा है ओल्ड दीघा और जगमग कर रहा है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और पर्यटकों की काफ़ी भीड़ है यहाँ पर अभी, और आज महाअष्टमी है तो पास में ही पूजा भी हुई है तो वहाँ पर भी भीड़ है, और पूरी तरह से बीच पर चारों तरफ पर्यटक बैठे हैं और घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों देखते रहिए पर्यटक ब्लॉग, और सुबह में कोशिश करेंगे आपको सनराइज दिखाने का ओल्ड दीघा या न्यू दीघा में। तो बने रहे दोस्तों पर्यटक ब्लॉग में और देखते रहिए पर्यटक ब्लॉग को। चाहे न्यू दीघा हो या ओल्ड दीघा हो, हर तरफ पर्यटकों की भीड़ है। कहीं बच्चे खेल रहे हैं तो कहीं बहुत से पर्यटक समुद्र तट पर बैठने के साथ ही साथ दीघा के सुंदर दुर्गा पूजा में भी शामिल हो रहे हैं। दुर्गा पूजा के बिना पश्चिम बंगाल की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, इसीलिए देश के विभिन्न हिस्सों के साथ ही साथ दुनिया के अन्य हिस्सों से भी लोग इस पूजा में शामिल होते हैं। दोस्तों ओल्ड दीघा में पहुंच गए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है, रात को एकदम जगमग कर रहा है ओल्ड दीघा, और लगभग अभी 9 बज गए हैं। तो अगर दीघा घूमना चाहते हैं तो ये जो दुर्गा पूजा है ना, इसका रौनक आपको एकदम से अलग ही मिलता है दोस्तों। तो अगर कभी मौका मिलता है तो दुर्गा पूजा में आप आइए और दीघा को एक्सप्लोर कीजिए। और ओल्ड दीघा काफ़ी अच्छा है और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और रात दिन में जो देखते हैं रात को एकदम से अलग हो जाता है और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों देखते रहिए पर्यटक ब्लॉग, सुबह कोशिश करते हैं आपको सनराइज़ दिखाने का। और अभी 9 बज चुके हैं तो थोड़ा सा खाना वाना खा के अभी चलते हैं फिर से होटल में। हम लोग कौन सा रेस्टोरेंट? हाँ, रेस्टोरेंट बाला का, अभी रेस्टोरेंट में बाला का रेस्टोरेंट में अभी है हम लोग। यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा है तो आप आते हैं तो बाला का रेस्टोरेंट को आप आ सकते हैं यहाँ पर, यहाँ का खाना अच्छा है। हाँ, हम लोग पहले भी एक दो बार यहाँ पर आ गए हैं, चाइनीज़ खाना खाए हैं, तो आप आइए दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखते रहिए पर्यटक ब्लॉग को और अपना ख्याल रखिए।